काउंटडाउन की न्यू वीडियो हम पढ़ने सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ सीखेंगे। और हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्किप काउंटिंग। हमने स्किप काउंटिंग पढ़ी थी पेज नंबर 22 पर, जिसमें हमने स्किप करना सीख लिया था, जंप करना सीख लिया था टू नंबर्स को और थ्री नंबर्स को। आगे नेक्स्ट हम पेज नंबर 23 सीखने जा रहे हैं, जिस पे हमारे पास स्किप काउंटिंग है। फोर नंबर हमने जंप करने हैं और फाइव नंबर जंप करने हैं। फोर नंबर जंप करने के लिए आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार ड्रॉ किया है 1 2 3 4, क्योंकि हमने फोर नंबर को स्किप करना है, जंप करना है। हम अब जो करने जा रहे हैं, कुछ नंबर हमारे पास गिवन है और कुछ नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, मिसिंग है, उसको हम फिल करेंगे। आपके पास फोर फोर नंबर गिवन है, फोर भी हो सकते हैं और फाइव भी नंबर हो सकते हैं, फाइव डिजिट। वैसे यहाँ पर फोर नंबर यानी थाउजेंड वाले नंबर गिवन है हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास थाउजेंड वाला नंबर और 800 वाला नंबर सेम रहेगा। अभी हम सिर्फ वंस और टेंस वाले नंबर को चेक करेंगे और उसको जंप करेंगे फोर फोर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फोर, यहाँ पर हम काउंट करेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन के बाद क्या आता है एट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4800 सेम ज़ीरो, फोर की जगह पर नेक्स्ट नंबर जंप करने के बाद आ गया एट। उसके बाद है 4008 है, 4808, उसके बाद नाइन आ गया, टेन आ गया, इलेवन आ गया, इलेवन के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4812। अब ट्वेल्व के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे 12 13 14 15 15 तक हमने रीड कर लिया, तो जंप करके नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 4816। 16 के बाद 16 17 18 19 19 तक हमने रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 4820। अब हमारे पास नंबर है 20 21 22 23 20 21 22 23, तो हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 4020 21 22 23, तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 4824। नेक्स्ट नंबर लिखना है 23 तक रीड कर लिया था, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 24। अब 24 रीड करेंगे 24 25 26 27 27 तक हम रीड कर चुके हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा 4828। 7 तक हमने रीड कर दिया और नेक्स्ट नंबर लिखा। इसी तरह अब हम यहाँ से देखेंगे 24, तो आपके पास 24 25 26 27 है, 7 के बाद आता है 28, जो कि हमारे पास राइट है इधर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे 28 29 30 31, तो हम इसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 32। उसके बाद आपके पास बच्चों 32 33 34 35 35 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 36। इसका आपका 100 वाला नंबर और जो आपके पास 1000 वाला नंबर है वो आपका सेम आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है 36, हमने लिख लिया 36 37 38 39 39 तक हमने रीड कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 6040। उसके बाद 44 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 44 से आगे करेंगे 44 45 46 47 47 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर है 48। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 9000 सेम नंबर, 300 भी अभी तक सेम ही आएगा। उसके बाद टेंस और वंस वाला नंबर हमने रीड करना होता है, ये लिखा हुआ है 08 08, का मतलब है 8 9 10 11 11 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 12। इसी तरह बच्चों हमारे पास अब 12 है, 13 14 15 15 तक हमने रीड कर लिया, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा 16। इसी तरह हम रीड करेंगे 16 17 18 19 19 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 20। देन 24 लिखा हुआ है, तो 24 को 24 25 26 27 तो 27 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 28 29 30 31 31 तक रीड कर लिया, तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 28 29 30 31, तो 31 तक रीड कर लिया, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 32। इसी तरह बाकी जो आपके पास नंबर है वो आप ऐड करते जाएंगे। एक नंबर और नेक्स्ट करवा देती हूँ, ये आपके पास है 1196 1000। अब ये आपके पास 100 वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा, इसमें आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको 100 से ज़्यादा काउंटिंग आती है तो ये आपके पास इसमें फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, तो 96 97 98 99, तो आपके पास 99 के बाद आता है 200, तो ये आपके पास जो 100 वाला नंबर है वो 200 हो जाएगा। और अगर आपको ये समझ ना आ रही हो तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड वाले तरीके से प्लस कर लेंगे 4 इसमें, ठीक है, क्योंकि हम जंप कर रहे हैं 4, तो हम इसमें 4 ऐड कर लेंगे, 4 और 6 ऐड करेंगे तो बनते हैं 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी कर लेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 0 लिखेंगे 1 कैरी कर लेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा 1 कैरी कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 और 1 2 हमने लिख दिया, कोई कैरी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये नंबर स्मॉल था। उसके बाद 1 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, तो भी हमारे पास 1200 आता है।
अब 1200 है तो आपके पास 1200 यानी 00, उसके बाद 01, 02, 03, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 04। अब 04 पढ़ेंगे, 05, 06, 07, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 04, 05, 06, 07, हाँ जी, तो 08। उसके बाद 08, 09, उसके बाद 10, 11, और ये आपके पास नंबर आ जाएगा 12। देन आप ऐड करेंगे इसमें, तो आपके पास 12 के बाद आएगा 12, 13, 14, 15, तो नेक्स्ट आ जाएगा 16, 16, 17, 18, 19, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 20। तो बाकी जो आपके पास है ये आप खुद करेंगे। और आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है स्किप काउंटिंग इन फाइव, स्टार्ट विद फर्स्ट नंबर। आपने ये फाइव का जैसे टेबल पढ़ते हैं, पांच पांच नंबर आप जंप करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो ये आपके पास एक नंबर आपके पास एग्जांपल में गिवन है। दूसरा लिखा हुआ है 2440। अब लास्ट वाला नंबर 40 है, तो हम इसमें कुछ भी आप फाइव बॉल्स बना लें और इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। फाइव बॉल्स बना ली हैं हमने, तो ये 40, 41, 42, 43, 44, 44 तक पढ़ लिया, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है 45। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2450, देन आपके पास आएगा 2455, और उसके बाद आ जाएगा 2460, देन 2465। और फाइव नंबर जंप करना सबको बहुत अच्छे से आता है, तो ये आप सारा खुद फिल करेंगे, बाकी सारा आपका होमवर्क है।